क्या हुआ आपके साथ? धोखा हुआ है, संगा धोखा। धोखा हुआ है? क्या धोखा हुआ है? एउटा केटा ने मलाई बिहे गरे भगाएर ल्यायो यहाँ इन्डिया, अनि मलाई यहाँ छोडेर राख्दैछ। हिंदी में बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हिंदी में ट्राई करो। अरेंज मैरिज है आपकी? लव मैरिज है? लव मैरिज। लव मैरिज? आप भाग के आए हो वहाँ से? लड़के के साथ भाग के आए थे? वो बिठाया और गया, अब मिल तक नहीं आया। ये काउंट करो कितने ये? मेरे पास कैसे कुछ लेके मैं? अरे रखो तो, छोटी बहन जैसो आप मेरे पैसे रखो। बस अड्डे पे आया था और ये लड़की बेचारी अकेली बैठी है, मुझे लग नहीं रहा इसके साथ कोई है और रोए जा रही है। बहुत देर हो गई इसको रोते हुए। नहीं बस, मैं बस स्टैंड पे ही हूँ, बस अड्डे पे। बाहर से बसेज आती हैं। पूछूं जा रहा यार क्या हो गया। मैडम क्या हो गया? हेलो एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो आप? क्या चीज? के नाई क्या हुआ आपके साथ? तबे को मैडम, क्या आप कौन सी भाषा बोल रहे हो? मुझे कौन सी भाषा ये? नेपाल। नेपाली बोल रहे हो? हिंदी आती है आपको? हिंदी समझ आती है। तो रो क्यों रहे हो आप? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ? धोखा हुआ है मासन का। धोखा? धोखा हुआ है? क्या धोखा हुआ है? एउटा केटा ने मलाई बिहे गरे भगाएर ल्यायो यहाँ इन्डिया, अनि मलाई यहाँ छोडेर राख्दैछ। हिंदी में बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हिंदी में ट्राई करो थोड़ा बहुत। हिंदी आपकी मदद कैसे करूँ? आपको हिंदी आती है बोलनी? थोड़ी बहुत मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो? हिंदी में बोलने का प्रयास करो, थोड़ा बोलने का ट्राई करो। ट्राई इन हिंदी या इंग्लिश में बोलो। क्या हुआ आपके साथ? एक लड़का शादी ये पे छोड़ के गया। आप मतलब आप नेपाल से आए हो अभी? बस में, इधर ही बस में आप आए हो? बस से आए हो आप नेपाल से? लड़के ने आपसे शादी करी? हाँ। आपको यहाँ छोड़ गया? तेल से वाला आप भी अगर लाया मेरे पैसा फोन साफ लेना गया। आपका पैसा और फोन ले गया? हाँ। कौन था वो? अच्छा आप शादी करके आयो? अरेंज मैरिज है आपकी? लव मैरिज है? लव मैरिज आप भाग के आए हो वहाँ से? लड़के के साथ भाग के आए थे? वो बिठाया और गया, अब मिल तक नहीं आया। मतलब आपके साथ यहाँ पे आया वो और यहाँ से भाग गया? सुबह 6 बजे आए थे हम यहाँ पे, फोन भी ले गया मेरा, पैसे भी ले गया। पैसा फोन दोनों ले गया तुम्हारा? हाँ। उसको नंबर याद है आपका? फोन करने के ट्राई करा, उसने फोन उठाया आपका? आपने किसी और के फोन से ट्राई किया था? नहीं उठाया उसने फोन? नहीं, फोन पर नहीं लेने गए, पैसा नहीं लेने गए, मेरे ये इतने छोड़े गए। आऊं छोड़े ना 12 घंटा उन लाइन से के वाले से बात करना। आपका फोन और पैसा दोनों लेके चले गया? आपके घर वालों को, आपकी फैमिली घर वाले उनको पता है कि आपने शादी करी है? आपके घर वालों को नहीं पता तुम शादी करके आयो यहाँ? तो देखो ये गलत बात है ना, आप बिना ऐसे घर वालों को झूठ बोल के आप आ गए हो अनजान देश में। आपकी माला के दादा माला ऐसे जोड़े जान से मने ना, माला बता तो नहीं देखी, माला जान घर में ना बताई करे तेरे संग आगो ये जोड़े गए थे। चलो आप पहले यहाँ से खड़े हो, ये देखो खड़े हो मैं आपकी मदद करूँगा। खड़े हो ये। आपके पास अभी कुछ मनी है? मनी पैसा ले गया वो? सब ले गया, पैसे भी ले गया? तुमने क्यों दिए उसको पैसे हाथ में? आप कहाँ से लाए थे? आप वर्किंग हो, काम करते हो वहाँ पर? घर से लेके आया मैं पैसा। तो घर से किसने दिए थे आपको पैसे? लेके आया घर से ना, चुरा के लाए? चोरी करी थी आपने? हाँ, वो रखा हुआ था पर्स में मम्मी का। अच्छा, तो वो ले गया मेरा पैसा। अरे यार ये गलत बात है, आप चोरी करके लाए हो घर से, अपने माँ बाप का दिल दुखा के आए हो आप, पता है?
अब आपको मैं कहाँ ढूंढूं, यहाँ तो कोई है भी नहीं, अभी सब चले गए यहाँ से। अभी तो बस आप आपने यहाँ पास जो आगे यहाँ पीछे आगे बैठो, आपने आगे पता करा बस अड्डे पे, मेन बस अड्डे पे सब ढूंढा, पूछा, कोई समझा ना, नहीं कोई नहीं समझा, वो चला गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे यार, आपने कुछ खाया सुबह से? सब पैसा ले गया। ओहो, सारा तो कुछ खाने वाने कुछ भी नहीं खाया आपने? इसलिए मेरे सब पे पैसा लगे, सब पे खाने को नहीं छोड़े ना। खाने के पैसे भी नहीं छोड़े? अरे यार दोस्तों, देख लो ये लड़की बेचारी नेपाल से किसी से शादी करके आई है, अब वो लड़का यहाँ पे आके भाग गया इसको छोड़ के। अरे यार, अब बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? क्या चीज? घर जाना था। घर जाना है? हाँ। घर नेपाल में? नेपाल में कौन सी जगह है? दूर है। नेपाल में कोई जगह तो होगी, बताओ जगह का नाम बताओ। विराट नगर। विराट नगर, नेपाल में विराट नगर से हो आप? जी। अरे यार, तो अगर मैं आपको कुछ, कितना किराया है यहाँ से नेपाल का वापसी जाने के लिए? इंडियन, हाँ अपना हमारा जो इंडियन पैसा है, कितना लगता है यहाँ से अगर तुम बस करोगे नेपाल की, तो कितना पैसा लगेगा आपको जाने में? 2000। 2000 रुपए लगेंगे प्रॉपर? और वहाँ से फिर बस स्टैंड से आपके घर तक जाने के? वहाँ से 700। 700 रुपए लगेंगे वहाँ से जाने के बाद भी? नेपाली। अच्छा, नेपाली 700 रुपए लगेंगे, यहाँ का 500 कितना लगता है? अब मेरे पास एक भी नहीं पैसे नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल? एक भी नहीं छोड़ा। अरे यार, एक काम करो फिर बहन, एक मिनट रुको, ये देखो कितना ही है, एक मिनट रुको यार दोस्तों, ये काउंट करो कितना ही है मेरे पास कुछ। अरे रखो तो, छोटी बहन जैसो आप मेरे, पैसे रखो, गिनो कितना ही है। तीन। इसमें हो जाएगा आपका? एक मिनट रुको यार, हो जाएगा। एक मिनट, आप एक काम करो, आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ लिखकर, आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ रहे हो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आप ले जाओ, आपको रास्ते में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन करना। और सबसे पहले ये आपके किराए के लिए इनफ है, हो जाएंगे, इसमें किराया हो जाएगा, और ये लो इसमें कुछ रास्ते में खा लेना। थैंक यू इसमें रास्ते में कुछ खा लेना, और प्लीज सेफ्टी से जाना, मैं आपको नंबर अभी एक चिट पे लिख के दे देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से भी फोन लेके आप बात कर लेना, ठीक है? मैं आपकी टिकट अभी करा देता हूँ, और सेफ बस में बैठना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बस में अकेले जाने में? नहीं। ठीक है, सेफ बस में बैठना, चलो आप आ जाओ, मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ ना, कुछ आप पानी वगैरह पी लो तो खा लो, आ जाओ बहन आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, छोटी बहन जैसी आ जाओ तू, चलो।